उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना में रुझान आने शुरू हो चुके हैं। आगरा में 3 विधानसभा सीटों पर पहले राउंड की गिनती हो चुकी है। देर रात तक सभी 9 विधानसभा सीटों का परिणाम सामने होगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबलों पर मतगणना होगी। प्रत्येक टेबल में 4 कर्मचारियों को लगाया गया है। 9 विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो सबसे अधिक एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में 509 बूथ है। इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 37 चक्र है। दूसरे नंबर पर आगरा कैंट विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 493 बूथ और कुल 36 चक्र है। खिरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 377 बूथ और 27 चक्र है। दूसरे नंबर पर फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में 384 बूथ और 28 चक्र है। यही संख्या बहा विधानसभा क्षेत्र की भी है। पोस्टल बैलेट के मतों की पहली गड्डी बनाई जाएगी, फिर इन्हें एक बॉक्स में रखा जाएगा। 4 कर्मचारियों और मतगणना एजेंट की मौजूदगी में इनकी गिनती शुरू होगी। इसके साथ ही ईवीएम पर पड़े वोटों की गिनती के लिए कंट्रोल और बैलेट यूनिट को जोड़ा जाएगा। ईवीएम को शुरू किया जाएगा। जो भी मत पड़े हैं उन्हें चेक किया जाएगा, फिर बारी बारी से प्रत्याशी के वोटों की गिनती होगी।